किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को कोई कैसे दुखी कर सकता है जिस इंसान की कभी किसी से कोई उम्मीद ही ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका, आप सबका स्वागत करती हूं इस सुविचार के साथ में आज की अपनी इस दिनचर्या में। फ्रेंड्स, आज के सुविचार का सार यही है कि जितना हो सके दूसरों से उम्मीद कम रखिए और जितना हो सके अपने आप से उम्मीद सबसे ज़्यादा रखिए, क्योंकि हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, आपके सही गलत हर फैसले में, आपके अच्छे बुरे हर वक्त में अगर कोई आपके साथ में खड़ा रह सकता है तो वो आप खुद हैं। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। रात में मैंने सोचा था कि कुछ काम मैं सुबह के जो है वो रात में फिनिश कर लूँगी, पर हुआ कुछ ऐसा कि मुझे आलस की वजह से या कुछ टेंशन की वजह से मैं वो काम कर नहीं पाई, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा और जल्दी जल्दी मैंने ये सुबह के काम निपटा लिए। तो यहाँ पर मैंने सुबह सबसे पहले दलिया साफ़ किया, उसके बाद में मैं यहाँ भी दलिया ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे मैं भी यहाँ पे दलिया बना रही हूँ। और एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और एक साइड मैंने दलिया को हल्का सा रोस्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ वेजिटेबल्स जो कि मैं दलिया में डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लौकी ली है, प्याज, टमाटर और थोड़े से यहाँ पे मैंने मटर की फलियाँ ले ली हैं, थोड़ी सी इसमें मैंने अदरक ऐड की थी। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे सुबह की जो दलिया बनेगी ब्रेकफास्ट में वो बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम जल्दी जल्दी से निपटा के हमें कहीं जाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से दलिया बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद में ऊपर से पहले मैंने इनका जो छिलका था वो हटा दिया है। छिलका हटाने के बाद में इसे मैं अच्छे से धुल लूँगी और उसके बाद में इसे दलिया में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो दलिया होगी वो और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह की खा सकते हैं, मीठी भी आपको अगर पसंद है तो मीठी भी खा सकते हैं और अगर आपको नमकीन दलिया पसंद है तो वो आप उससे भी बना सकते हैं। आजकल मैं यहाँ पे मॉर्निंग में नमकीन दलिया ही बना रही हूँ, उसे ही में हम सारे लोग यूज कर रहे हैं मॉर्निंग में। तो आजकल ये हम लोग का ब्रेकफास्ट में रूटीन हो गया है कि सुबह की जो हमारा पहला ब्रेकफास्ट होगा चाय के बाद का, तो उसमें हम यही नमकीन दलिया ही यूज़ करते हैं। तो हमारा सुबह का सारा काम हो गया था, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद में लंच भी बना के मैंने घर पे रख दिया था। तैयार हो गया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी वहीं पे पहुँचने के बाद में। तो ये देखिए हम लोग घर से निकले और टाइम हो गया था 10:30, फिर भी इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि देखने में लग रहा था कि अभी सुबह के 6 या 7 का ही टाइम हुआ है। बहुत ज़्यादा धुंध थी, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा था। और हम लोग इस तरह से ऊँचे नीचे कच्चे पक्के रास्ते होते हुए पहुँच गए अपने उस जगह पर जहाँ पर हमें जाना था। तो यस, हम लोग आए अपनी छोटी दीदी के यहाँ। एक्चुअली मेरी छोटी दीदी के यहाँ जो मेरी बिट्टू है, इसका जो होना है बरहों का जो संस्कार होता है जन्म के 12 दिन के बाद में जो संस्कार होता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, वो होना है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो यहीं पे हम लोग आए आज के फंक्शन को अटेंड करने। और एक्चुअली जो दीदी की बेटी हुई थी वो मूल में हुई थी, तो आज होना है मूल शांति का भी संस्कार होना है।
और जो ब्राह्मण संस्कार होता है वो भी होना है, तो हम लोग यहाँ पे पूजा में शामिल होने आए थे। तो एक्चुअली ये एक ऐसी पूजा होती है जो बच्चे के माता पिता ही इस पूजा को करते हैं। तो यहाँ पे दीदी और जीजा जी इस पूजा को कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उनके आचार्य जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही विधिवत तरीके से मूल शांति की जो पूजा होती है वो कराई। तो आप देख सकते हैं जो इस टाइम पे हो रही पूजा यही मेन पूजा है। एक्चुअली इतने दिनों तक 28 दिनों तक 27 दिनों तक जो बच्चे का पिता होता है वो अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखता है, और पुराने ज़माने में तो जो पिता होते थे वो घर के अंदर ही प्रवेश नहीं करते थे, बच्चे के रोने की भी आवाज़ उन्हें नहीं सुननी होती थी, वर्जित होता था। पर आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो पाता है, मोबाइल होने के कारण जैसे ही लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं तो जो बच्चे का पिता होता है वो तो सबसे पहले ही देख लेता है अपने बच्चे का चेहरा। तो इसमें यही होता है कि इतने दिन तक पिता को अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखना होता है, और जब भी पूजा हो जाती है मूल शांति हो जाती है तो लास्ट में कटोरे में तेल भर के उसी तेल में अपने बच्चे की परछाई देखनी होती है, और उस तेल में 7 बार आप बच्चे के चेहरे को काटना होता है सीख की मदद से। और कहते हैं कि जो भी इसके दुष्प्रभाव होते हैं वो जैसे ही आप 7 बार सीख से काटते हैं तो इसके जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो कट जाते हैं। तो ये पुरानी मान्यता है और इसे आज के लोग भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसके बाद में सारा कार्यक्रम हुआ और खाना पीना हुआ, और इसके बाद हम लोग अपने घर चले हैं, और यहाँ पे घर पे आके मैंने रात का डिनर बनाया, और इस तरह से आज का दिन हमारा स्पेंड हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की दिनचर्या, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई दिनचर्या में एक नए विचार के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।